हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ओके, तो देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत बार बहुत सारा टारगेट दिया था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने बोला था इसका टारगेट हो सकता है 200 रुपीज, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो आगे इस शेयर में क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए आज के डेट पे एनएससी पे ये शेयर आपका ओपन हुआ है 196.10, हाई गया था 221.15, अभी तक का जो हाई है और अभी तक का इसका लो है 196, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है एनएससी पे 215.70। एंड आज के डेट पे ये शेयर ने आपका रिटर्न दिया 11.30% का। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है रुपीज 2596.20 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है रुपीज 2725.70 करोड़, पीई रेशियो है 28.98। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्ट है रुपीज 139.55 करोड़ का, तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.22। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। और उस कंपनी का देखिए आपका कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 2.31। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे तो एक से डबल से भी ज्यादा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी का ईपीएस है रुपीज 7.45, रिटर्न ऑन इक्विटी है 1.17% एंड आरओसीई है 6.08%। ये जो कंपनी है मिर्जा इंटरनेशनल, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 67.91%, पब्लिक का है 29.23%, एफआईआई का है 2.82% एंड डीआईआई का है 0.04%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 67.91% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंट है जो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया हूं। तो देखिए लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2021 के क्वार्टर में जो रिजल्ट निकला था उसमें आपका नेट सेल्स आया था 585.37 करोड़, जो कि उसका जो पिछला 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 77.88 करोड़, ये भी इसका जो पिछला 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ था 42.60 करोड़, ये भी इसका जो पिछला 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है, मतलब दिसंबर 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। ओके, और एक चीज देखिए, लास्ट एक साल में इस कंपनी ने 348.86% का अभी तक रिटर्न दे चुका है, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका बहुत दिनों से अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे देखिए ये आपका था 1 अप्रैल 2022 का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, उस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे देखिए आज का डेट भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज, तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसको ऊपर टच करता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो यहाँ पे आरएसआई भी अबव 60 और एमएसडी भी 0 पॉइंट ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन शो कर रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज यहाँ पे देखिए, ये आपका था मार्च 2022 का पहला वीक, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था और उस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए शेयर लगातार आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है। लास्ट 3 वीक से देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और अभी जो वीक चल रहा है इस वीक में भी देखिए यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी ये शेयर आपका 50 डेज
और 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। RSI भी यहाँ पे देखिए आपके अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए इस जगह पे ये आपका था 2020 नवंबर का महीना, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार 8-9 महीने से कॉन्टिन्यूसली आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि टेक्निकल एक अच्छा बात है। और इस महीने में भी देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए इस महीने में क्या कि इसका जो लास्ट हायर आई था ये वाला लेवल, इसको भी देखिए तोड़ के ऊपर आपका क्लोज भी किया, सस्टेन भी किया है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है लगभग 215-216, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 3 से 4 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये शेयर आपका 250 से लेकर 260 का टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।